खबर यह है कि प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी पी नरिहर के मोबाइल से एक महिला को अश्लील मैसेज गए, लेकिन ये मैसेज ना तो अधिकारी ने भेजे थे और ना ही उनके मोबाइल फोन से ये मैसेज भेजे गए थे। उनके फोन की क्लोनिंग कर ये दरअसल खेल किया गया और महिला के साथ चैट जो हुई उसे वायरल भी कर दिया गया। किसने रची आईएएस नरहरि को बदनाम करने की साजिश और क्या है मोबाइल क्लोनिंग, आइए जानते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपके मोबाइल से किसी को मैसेज जाए और आपको पता भी ना चले? बिल्कुल हो सकता है। मोबाइल क्लोनिंग के जरिए किसी फोन का डुप्लीकेट बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। आपने अब तक ऐसा फिल्मों में देखा होगा, लेकिन एमपी के सीनियर आईएएस ऑफिसर पी नरहरि मोबाइल क्लोनिंग का शिकार हुए हैं। पी नरहरि का एक फर्जी चैट वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला से निजी बातें कर रहे हैं। चैट के वायरल होने से हड़कंप मचा है। इसे पढ़कर किसी को भी आईएएस के चरित्र पर शक होगा। चैट के जरिए उन्हें बदनाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैट पी नरहरि ने किया ही नहीं है, उनके मोबाइल की क्लोनिंग कर महिला को मैसेज भेजे गए हैं। आईएएस पी नरहरि ने क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ पेपर कटिंग्स और एक चैट वायरल की जा रही है जो कि प्राइमा फेसी फर्जी लग रही है और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध करके एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जो भी ये चैट वायरल हुई है वो प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल एप्स हैं जिनके द्वारा फर्जी चैट बनाने की सुविधा दी गई है ये उसके द्वारा ही बनाई गई है। इस चैट के सत्यापन के संबंध में कोई भी तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो अधिकारी हैं उन्होंने और जिन जिसके संबंध में जिन महिला का नाम आया है उन्होंने भी अपनी तहरीर थाने में दी हुई है, उसके ऊपर क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है और जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू उसके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के साथ ऐसी हरकत किसने की, ये शक जाहिर किया जा रहा है कि अधिकारी के किसी स्टाफ ने ही ये हरकत की है। अधिकारी का फोन किसने क्लोन किया और किस उद्देश्य से फर्जी चैट वायरल किया गया, पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है। अब सवाल है कि किसी आईएएस अधिकारी का फोन क्लोन किया जा सकता है तो आम लोगों के फोन कितने सुरक्षित हैं और फोन की क्लोनिंग आखिर की कैसे जाती है, आइए आपको बताते हैं। क्या है मोबाइल क्लोनिंग? किसी मोबाइल का बन जाता है डुप्लीकेट। सिम डेटा IMEI नंबर चुराकर क्लोनिंग होती है। कई एप्स के जरिए भी होती है क्लोनिंग। मालवेयर इंस्टॉल कर की जा सकती है क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद कॉल और मैसेज पर कंट्रोल। ये थे फोन क्लोनिंग के तरीके, लेकिन ये पता लगाया कैसे जा सकता है कि किसी फोन की क्लोनिंग की गई है, इसके भी तरीके हैं। क्लोनिंग का पता कैसे लगाएं? मोबाइल का ज्यादा गर्म होना, बैटरी का तेजी से कम होना, इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म होना, फोन का स्लो होना, फोन रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाए, नो सिम कार्ड का एरर मैसेज, मोबाइल डेटा का काम ना करना। और अब अहम बात यह है कि फोन क्लोनिंग से कैसे बचा जाए, फोन की क्लोनिंग हुई है तो कैसे ठीक किया जाएगा, आइए ये भी जानते हैं। क्लोनिंग से कैसे बचे? क्लोनिंग होने पर फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, लॉगिन पासवर्ड बदल दीजिए, फोन में गैर जरूरी ऐप ना डाउनलोड करें, अनजान लिंक पर ना क्लिक करें। तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर फोन की क्लोनिंग का पता लगाया जा सकता है और क्लोनिंग से बचा भी जा सकता है। फिलहाल ये देखना है कि आखिर आईएएस के फोन की क्लोनिंग किसने की और क्या पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।